Hey, what's up, your family? This is Ankit. कैसे हैं आप? I hope आप सब ठीक हो गए, फिट हो गए। कल शाम को मुझे ये गिफ्ट, ये पार्सल रिसीव हुआ है। मुझे मेल आया था फास्ट्रैक की तरफ से कि उनका लास्ट मंथ, आपको पता होना चाहिए कि सितंबर में 7 साल पूरे हुए, तो उन्होंने पूरे मंथ अपना 7वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो उनका मेल आया था गाइज मुझे कुछ दिनों पहले कि जो उनके कुछ क्रिएटर्स हैं, जिन्होंने उनके वीडियोज़ बनाए हैं, जिन्होंने उनके रिव्यूज़ दिए हैं, कुछ लोगों को उन्होंने चूज़ किया है जिन्हें वो अपनी तरफ से एक बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मुझे लगा यार क्या ही भेज देंगे, कुछ बहुत बड़ा तो होना नहीं चाहिए। तो अभी मैं कल भी आया, मैंने इसका वेट चेक किया, भले वेट मैंने कल नहीं चेक किया था, जो बस साहब मुझे लगा कि ये काफ़ी हैवी है। अभी सुबह आया हूँ जिम में, वेट चेक किया, 5 किलो 150 ग्राम का ये बॉक्स है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसमें क्या हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि पहली बात तो सच बताऊँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट अलग हो रही है, और मैंने इस एक्साइटमेंट को बहुत कंट्रोल किया कल शाम को। तो क्योंकि कल शाम को गाइस मैं घर में था तो वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पर मैं आराम से वीडियो शूट कर सकता हूँ और हम सब मिलकर देखेंगे कि मुझे मिला क्या है, और चेक करेंगे कि इसमें क्या मेरे काम का है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका मैंने रिव्यू दे रखा है, और देखते हैं क्या क्या है। हे भगवान, गाइस अभी रियलाइज़ हुआ मुझे कि मैंने ये बॉक्स उठा के लाया हूँ बट इसे कट करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो अब क्या करें, कुछ तो होना चाहिए यार, डंबल से ये खुल भी तो नहीं सकता, क्या यूज़ करें। ओके, तो मेरे पास मेरी बाइक कीज़ हैं, तो हम इसको ट्राई करेंगे, इसको खोलने की कोशिश करेंगे। खड़ा हो जाता हूँ साइड में यार, बैठ के हो नहीं पा रहा मेरे से, थोड़ा पावर लेगा क्योंकि चाबी इतनी शार्प नहीं होती है। ओके, पहला खुल गया है। मैं एक्साइटेड हूँ बहुत बुरी तरह से, मजा भाई साहब, मैं बता नहीं सकता मैंने कितना कंट्रोल किया कल रात भर ये सोच सोच करके कि इसमें क्या हो सकता है। तो अब मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है, और ये चाबी आपके सामने रख दी है। अब मैं इस बॉक्स को खोलूँगा और हाथ डाल करके निकालूंगा कि इसमें क्या क्या मिलता है, मैं झाँकूंगा नहीं इस बॉक्स में, ठीक है। तो लेट्स सी कि हमें पहली बार क्या मिलता है। ओके, ये क्या हाथ आया है, फास्ट एंड अप का प्री वर्कआउट। यार मैं इसका हाफ स्कूप यूज़ करता हूँ, आप लोगों ने इसका रिव्यू देखा होगा, फास्ट एंड अप इकलौता प्री वर्कआउट बनाता है, बहुत सारे वैरायटीज़ नहीं बनाता, इवन इन्होंने फ्लेवर भी सिर्फ एक रखा है, और जो कि फ्लेवर मुझे पसंद भी नहीं है, बट इनका प्री वर्कआउट कमाल का है, बहुत ही ऑसम प्री वर्कआउट है गाइस। 300 mg कैफीन इसके अंदर, मैं रेकमेंड करूंगा कि कभी पूरा स्कूप ना यूज़ करें, हाफ स्कूप में ही आपको बहुत बेहतरीन पंप और रिजल्ट मिलेगा। इस प्री वर्कआउट का रिव्यू मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इसे किनारे करते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओके, वू, प्लांट प्रोटीन आइसोलेट, बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है ये फास्ट एंड अप का, काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, इवन शिल्पा शेट्टी मैम और वरुण धवन सर ने भी इसको प्रमोट किया है। मैं सबके रिव्यूज़ और सबकी खास बातें नहीं बता पाऊंगा, बस मैं रेकमेंड करूंगा कि मैंने जितने भी रिव्यूज़ दिए हैं, मैंने इसके भी रिव्यू दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल लिंक मिल जाएगा। जो भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर पसंद है, अपनी मर्जी का, आपको लग रहा है कि आपके काम का आ सकता है, उसके रिव्यूज़ मैं दे दूंगा। हाँ, हो सकता हो कि इसमें कुछ ऐसा निकले जिसका रिव्यू मैंने नहीं दिया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, ओके, मेरा पर्सनल फेवरेट सप्लीमेंट जो कि आज की डेट में बहुत महंगा हो गया है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। भाई साहब 250 ग्राम क्रिएटिन आराम से मेरी 2 महीने 2.5 महीने चल जाती है, और मैं थैंकफुल हूँ फास्ट एनफ का कि उन्होंने मुझे ये दिया। इसकी MRP आज की डेट में गाइस 1699 है, 1000 रुपये से 1200 रुपये में आज की डेट में ये मिल रहा है। मैं इसको एक बार फिर से रिव्यू ज़रूर करूँ, क्योंकि जब मैंने इसको रिव्यू किया था तो ये बहुत कम दामों में मिलता था, वो ज़माना ही अलग था जब क्रिएटिन सस्ते मिलते थे, अब क्रिएटिन काफ़ी महंगा हो चुका है, मैंने कई वीडियोज़ बताए ऐसा क्यों हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें अभी तक की मेरी सब काम की हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है। ये थोड़ा सा बड़ा बॉक्स लग रहा है, मुझे लगता है कि ये प्रोटीन है क्योंकि काफ़ी हैवी है, और भगवान करिए 2 किलो का हो, इतना तो मुझे इसके वेट समझ में आ रहा कि ये 2 किलो का है, बट कौन सा प्रोटीन हो सकता है, बस मैं यही सोच रहा हूँ। ओके, खींचते हैं इसको बाहर। वे प्रोटीन कंसंट्रेट, यार अब तो काफ़ी जगह भारतीय चली जा रही, मैं ही नहीं दिखाई पड़ूंगा आप लोगों को।
वे प्रोटीन कंसनट्रेट, अभी हाल ही में मैंने इसका रिव्यू दिया है और मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर देखें। ये मेरा फास्ट एंड अप का बजट में मिलने वाला सबसे फेवरेट प्रोटीन बन चुका है। 4,3800 रुपये के आसपास 60 सर्विंग का प्रोटीन देंगे। वैसे फ्लेवर चेक कर लेते हैं कौन सा है। यस, क्रीमी कॉफ़ी। गाइस, मेरे पास इसका चॉकलेट फ्लेवर था और मुझे अब क्रीमी कॉफ़ी मिल गया है। इनके ये दो फ्लेवर अभी भी मैंने देखे हैं और मैं क्रीमी कॉफ़ी को ट्राई करना चाहता था। सो ये पीछे रखा हूँ, आपने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब डब्बा हल्का हो चुका है काफ़ी, अब ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकता मैं इसके अंदर कि मुझे क्या मिल सकता है। ओके, एक और डब्बा। सिट्रुलिन मैलेट। गाइस, सिट्रुलिन मैलेट, ये सप्लीमेंट बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आज भी लोग सिट्रुलिन मैलेट के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं और मुझे यकीन नहीं होता ऐसा क्यों। गाइस, इस सप्लीमेंट की खास बातें, मतलब ये ऐसा सप्लीमेंट है गाइस जो वर्कआउट जिम में रिजल्ट देने के साथ साथ आपको रात में भी काम आ सकता है अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो। जी हाँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सिट्रुलिन मैलेट बहुत कमाल के रिजल्ट दे सकता है आपको बेड पर। इससे ज़्यादा मैं वो कुछ नहीं बोलूँगा, इसका डिटेल रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैंने इन सब के अभी तक जितने प्रोडक्ट निकले हैं सबके रिव्यूज़ दे रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, अब समझ में आ रहा है मुझे टच करने पर कि ये ट्यूब्स हैं। ट्यूब्स जो फास्ट एंड अप की मोस्टली डिसॉल्वेबल ट्यूब्स होती हैं गाइस, जिसमें मल्टीविटामिन कई चीज़ें आती हैं। आप पानी में डिप करिए उसकी टैबलेट्स, वो डिसॉल्व हो जाएंगे और कमाल के टेस्ट के साथ आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो लेट्स सी कि मेरे पास क्या है। दो हाथ में आ गई मेरे। ओके, ये गाइस मैंने इसका रिव्यू नहीं दिया है। ये है गाइस फास्ट एंड अप का क्रिएटिन रिब्ड। ये काफ़ी फेमस हो रहा है गाइस क्योंकि लोग इसको वर्कआउट के पहले यूज़ करना चाहते हैं। ये मुझे पर्सनली उतना पसंद इसलिए नहीं गाइस क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज़, सिर्फ और सिर्फ 1000 mg क्रिएटिन इसमें मिलती है एक टैबलेट में और मुझे लगता है कि आपको कम से कम 2-3 ग्राम क्रिएटिन लेनी चाहिए। हालांकि मुझे ये पहले भी एक बार दिया गया था बट मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं इसका रिव्यू नहीं दूंगा और मैं आगे भी शायद इसका रिव्यू ना दूँ। फिर भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ और अगर आप चाहते हैं इसे यूज़ करना तो आप ले सकते हैं। अगर आपको टेस्टी क्रिएटिन, फ्लेवर वाला क्रिएटिन चाहिए तो ये आपके काम आ सकता है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको इसकी कम से कम 2-3 टैबलेट्स एक बार में लेनी होगी, एक टैबलेट से आपका काम नहीं चलेगा। दूसरा गाइस, ये मेरे लिए एकदम नया है और मैंने इसका रिव्यू नहीं दिया है। ये है फास्ट एंड अप का मल्टी विटामिन मैन। जी हाँ, मैन मल्टी विटामिन। अब मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि मैं देख पाऊँ कि इसमें ऐसी क्या बातें खास हैं जो मेंस के लिए इस मल्टी विटामिन को रेकमेंड कर रहे हैं। तो मैं अगर मुझे प्रोडक्ट पसंद आया तो मैं वादा करता हूँ फ्यूचर में आपको इसका रिव्यू ज़रूर मिलेगा। अभी के लिए हम इसे सामने रख देते हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया है, मतलब इतना कि तो उम्मीद भी नहीं थी मेरे को और अभी भी लग रहा है कुछ तो है बॉक्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट। ओके गाइस, फास्ट एंड अप का बिल्कुल नया लॉन्च प्रोडक्ट, इसका भी रिव्यू मैंने नहीं दिया है। फास्ट एंड अप का आयरन। आप सबको पता है गाइस कि आयरन, जब आपके ब्लड की कमी हो आपको कमजोरी फील होती है, अक्सर देखा जाता है कि ब्लड की कमी की वजह से होती है, तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं गाइस अपने डाइट में आयरन सप्लीमेंट्स ऐड करने का। तो इन्होंने आयरन सप्लीमेंट लॉन्च किया है। मुझे नहीं पता कि इसमें आयरन के अलावा और कुछ भी है या नहीं। खैर, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ब्लड बिल्डर साफ साफ लिख रखा है इसमें, ये ब्लड बिल्डर है और ये 20 टैबलेट्स का एक ट्यूब है। तो ये भी आपके सामने रख दूंगा, अगर मुझे फ्यूचर में ये पसंद आया तो मैं इसका रिव्यू ज़रूर करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब ख़त्म हो गया शायद, अब कुछ नहीं, एक मिनट। वो गाइस, इस प्रोडक्ट का मैं काफ़ी टाइम से रिव्यू देना चाह रहा था बट मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था इसे खरीदने का। और थैंक यू फास्ट एंड अप, आपने मुझे ये दिया। ये है गाइस फास्ट एंड अप का अश्वगंधा TSM 66। ये कोई ऐसा वैसा अश्वगंधा नहीं गाइस, बहुत ही हाई क्वालिटी का अश्वगंधा है और मुझे खुशी है कि मुझे मेरे पास ये आ चुका है। इसकी MRP 799 है बट मुझे लगता है कि ये ऑफर में, और मेरा कोड आपको पता होगा, मेरा कोड, अगर आप मेरे कोड को यूज़ करती हो तो फास्ट एंड अप का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आता है तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाके खरीद सकते हो, जहाँ पर मेरा कोड, ये कोड यूज़ करने से आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझे लगता है ये आपको ज़्यादा 500 रुपये मिल जाएगा। 60 टैबलेट्स का बहुत ही हाई क्वालिटी अश्वगंधा है। हालांकि मैंने सच बोलूँ तो अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं मुझे बट मैं इसका रिव्यू तभी दूंगा जब मैं इसे यूज़ कर लूँगा। और अगर ये प्रोडक्ट सेटिस्फाइड करता है मुझे तो इसका रिव्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा, नहीं करेगा तो एज अ कस्टमर जो भी मैंने फील किया इस प्रोडक्ट के बारे में वो आपको बताऊंगा। सो ये भी एक, मुझे लगता है फास्ट एंड अप वाले मुझसे काम करवाना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी दिए हैं उन्होंने मुझे जो जिनका रिव्यू मैंने अब तक नहीं दिया है। बिजनेस, दिस इज बिजनेस, कोई बात नहीं, लेट्स सी। प्रोडक्ट बुरे नहीं है तो अपन रिव्यू करेंगे।
मैं फास्ट एंड आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये गिफ्ट दिए और मैं इन दो तीन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके रिव्यू दूंगा। हालांकि मैं सामने सामने से कहने को तैयार हूँ कि मैं इस क्रिएटिन रिब्ड को कुछ खास पसंद नहीं करता हूँ, तो शायद फ्यूचर में ना आपको ना फास्ट एंड को इस प्रोडक्ट का रिव्यू देखने को मिले। तो नेक्स्ट ओके लास्ट अब झांक लूँ प्लीज़ अब मैं झांक लेता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा बॉक्स है और हाथ से इतना पता नहीं चल रहा है। ओके तो अभी एक प्रोडक्ट और मुझे मिला है लास्ट, अब कुछ नहीं बचा है। ये है फास्टनर का वाइटलाइज, इसका रिव्यू मैंने दिया है, बहुत ही शानदार मल्टीविटामिन है। और ये है फास्टनर का रिलोड। फास्टनर के अगर टॉप 5 प्रोडक्ट्स चूज करोगे गाइस जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं उसमें से एक आपको फास्टनर का रिलोड मिलेगा। तो ये रहे गाइस सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने इस बॉक्स में मिले और एक छोटा सा मुझे लगता है गिफ्ट है मेरे लिए, बहुत प्यारा सा है। ओके फास्टनर का ये की चैन, अब मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं बताना है। इन सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज जिनके मैंने रिव्यूज दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में उन सब के डिटेल लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप इस वीडियो में पूछ सकते हो, आप उन वीडियोस में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के रिव्यू हैं उनमें भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, जो सबसे खास बात आपको नहीं भूलनी है वो ये है कि ये कोड आपको कभी नहीं भूलना है। अगर आपको फास्टनर का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फास्टनर की ऑफिशियल साइट से खरीदें, इससे आपको 110% जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा प्लस 10-30% का डिस्काउंट आपको मेरे इस कोड को यूज़ करते ही मिल जाए। सो एक बार मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि हैप्पी बर्थडे फास्ट एंड अप। मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स फ्यूचर में बनाएं जो इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा काम आए। हालांकि फास्ट एंड अप फॉरेन में भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है बट इंडिया में धीरे धीरे ये काफ़ी अच्छा नाम बना रहा है, काफ़ी अच्छी मार्केट बना रहे हैं अपनी। और जाहिर सी बात है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं जो काम के नहीं हैं बट इस बिज़नेस है और कंपनीज ऐसा करती हैं। मुझे ये अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस के नाम पर कि सारे प्रोडक्ट किसी काम के ना हो, इनके 80% 85% प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, काम के होते हैं, रिजल्ट देते हैं और ये रेशियो होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो गाइस फाइनली ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच इस वीडियो पर अपना टाइम देने के लिए। आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मुझे एक लाइक दोगे। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि आज का इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बनो। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जहाँ पर मैं आपके डाउट्स के रिप्लाई करता हूँ, अदरवाइज उन डाउट्स पर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।